हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जो कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और दोस्तों, ये UPBT का जो 6th सेमेस्टर आता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसमें तो है ही, और इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बोर्ड्स में दोस्तों, ठीक है, जो है ये जो ड्राइंग का सब्जेक्ट है वो रखा गया है। तो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर बोर्ड्स के, जिनके में भी ये ड्राइंग है, वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका सिलेबस जो रहता है लगभग सेम रहता है, ठीक है। तो आप अपने टॉपिक को मिलाते हुए इसकी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है, ठीक है, जो कंप्लीट ड्राइंग है, वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में मैं अगर बात करूँ तो मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है, एंड इसके साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें जाननी होती हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और आज दोस्तों जो हमारा रहेगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज हमारी पहली ड्राइंग स्टार्ट होने वाली है, तो आज की जो पहली हमारी ड्राइंग रहेगी वो क्या रहेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की पहली जो ड्राइंग रहेगी वो क्या रहेगी, ध्यान से सुनिएगा। मैं दोस्तों आज आपको स्प्लाइसिंग पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। क्या पढ़ाने वाला हूँ? स्प्लाइसिंग पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। दो कॉलम को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि जब हम लोग पढ़ते थे दोस्तों RCC ड्राइंग, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, जैसे दो सरिया को जोड़ना होता था ना, तो उनकी लैपिंग करते थे या वेल्डिंग करते थे, कुछ उसी तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम जो है सेक्शंस को जोड़ते हैं तो उन्हें स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग हमें पढ़नी है, सिलेबस में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, और ये दो प्रकार का है, इक्वल और अनइक्वल, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊँगा इक्वल, ठीक है, इक्वल आपको जो है यहाँ पे सीखना है उसकी ड्राइंग। लेकिन दोस्तों, ड्राइंग तो चलिए मैं सिखा ही दूंगा, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी ये 3D डायग्राम जो आपके सामने रखे हुए हैं। पहले इनको आप गौर से देखिएगा, क्योंकि इन डायग्राम्स के बिना आपका जो 6th सेमेस्टर का ड्राइंग है आपको सिखाना मेरे लिए शायद मतलब बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मुझे टाइम लगा है ना, वो इन डायग्राम्स को ढूंढने में लगा है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत ढूंढा, गूगल भी बहुत किया, लेकिन बाई चांस ये गूगल पर ही बहुत टाइम बाद मिला हुआ है, ठीक है। और गूगल ने ही सजेस्ट किया था किसी एक यूट्यूब चैनल के बारे में, जो कि शायद किसी एक लड़की का था, मैं बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन एक लड़की का कोई चैनल था दोस्तों, ठीक है। उसमें था क्या बोलते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग विथ ऐसे कुछ करके था, एक लड़की का नाम है, ठीक है ना। तो उसने जो है इन चैनल के सेक्शन, जो मतलब सारे के सारे आप यहाँ पे सेक्शन देख रहे हैं, आपको चैनल भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जितने सारे मतलब हम कनेक्शन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे ड्राइंग में हैं, वो लगभग उसने सारे के सारे वहाँ वीडियोस में बता रखे थे। तो बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बताना मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था ये 3D डायग्राम, जो कि मैंने उनके वीडियोस की स्क्रीनशॉट ले लेकर के इनको क्रॉप करके बढ़िया रंगीन प्रिंट आउट निकलवाया है आपके लिए, ठीक है ना। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और एक बार आप भी उन्हें ज़रूर थैंक्स बोलिएगा, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो का भी लिंक चाहेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की लिंक पिन कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप भी अगर ये ड्राइंग सीखना चाहते हैं ना, तो जब तक आपके पास ये 3D डायग्राम नहीं होंगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप ड्राइंग सिर्फ रटते रहेंगे, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे चीज़ों को, ठीक है ना। तो आपको इमेजिन ज़रूर करना है, और ये जो सारे के सारे 3D डायग्राम है ये आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे या टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप भी मेरी तरह अगर इन वीडियोज़ का इन डायग्राम्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो के थ्रू, ठीक है ना, तो मैं वीडियो आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मैं आपको सारे के सारे डायग्राम शेयर करूँगा, ठीक है। और आपको ये रखना है दोस्तों, और ड्राइंग के साथ ही इनको जो है आप लोग कंबाइन करके रखिएगा, जैसे इसका ड्राइंग पढ़ेंगे तो साइड में इसको रख लीजिएगा, ताकि जब भी आप ड्राइंग पढ़ें तो इसको ज़रूर देखें फिर ड्राइंग पढ़ें, क्योंकि जब तक ये नहीं देखेंगे तो ड्राइंग समझ में आएगी ही नहीं, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा है दोस्तों, वो इन्हीं डायग्राम्स को ढूंढने में लगा है, जो कि बाई चांस मिल चुके हैं, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, ठीक है, जो भी वो दीदी थी जो पढ़ा रही थी, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ से काम बन गया, और आपका भी यहाँ से काम बन जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इनको रखता हूँ साइड में, और जो ड्राइंग आज हम पढ़ने वाले हैं उसका मैं पहले 3D डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको स्प्लाइसिंग, ठीक है ना, स्प्लाइसिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो स्प्लाइसिंग का जो डायग्राम रहेगा दोस्तों, कहाँ चला गया, ये रहा, यस देखिए ये रहा, ये दो तरीके का स्प्लाइसिंग है दोस्तों, थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं ड्राइंग कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और आज पहला लेक्चर है, तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग सपोर्ट ज़रूर दिखाएंगे और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हो सकता है हमारी मुलाकात ना हो ड्राइंग के लिए, क्योंकि 6th सेमेस्टर के बाद आप लोग पास आउट हो चुके होंगे, एंड कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई प्राइवेट सेक्टर में चला गया होगा, है ना। तो इस मामले में तो फिर हम लोग नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, एंड मुलाकातें होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन आप तो 6th सेमेस्टर के बाद जो है निकल जाएंगे, है ना। तो देखिए, मैं ये बताने वाला था दोस्तों कि जो ये 3D डायग्राम है वो हमारा स्प्लाइसिंग का था, ठीक है। स्प्लाइसिंग में भी ये जो है ना, ये इक्वल, सॉरी ये नहीं है, एक और होगा, कहाँ चला गया,
हाँ ये रहा, देखिए ये है स्प्लाइसिंग का डाई, नीचे वाला भी है बट इक्वल का नहीं था, ये इक्वल का है। ठीक है ये दोस्तों इक्वल स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है, जबकि अगर आप गौर से देखेंगे कहाँ गया ये रहा, ठीक है ये अन इक्वल स्प्लाइसिंग है। ठीक है अब इक्वल स्प्लाइसिंग क्या है, अन इक्वल स्प्लाइसिंग क्या है, तो मैंने सिलेबस जब बताया था तो डिटेल में नहीं बताया था, ठीक है, और अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए इक्वल स्प्लाइसिंग में अगर आप देख रहे होंगे तो जो ग्रीन वाला ऊपर आप देख रहे हैं एक आई सेक्शन है, ठीक है, जिसको हम बीम बोलते थे ना, बट यहाँ ये कॉलम के रूप में यूज़ हो रहा है, मतलब वर्टिकल है। ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन वाला आपका आई सेक्शन है उसका जो गहराई है, मतलब ये वो सेम नीचे जो ब्लू है ना, ब्लू कलर का लगा हुआ है, उसका भी सेम वही डेप्थ है। तो जब दोनों का डेप्थ सेम रहता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वल स्प्लाइसिंग। ठीक है मतलब क्या किया है हमने, सिर्फ इस और इस, ये जो नंबर एक लिखा रखा है ये टू उन्हीं ने लिखा था, सब आ गया है, स्क्रीनशॉट लिया है, तो ठीक है जो भी आप देख पा रहे हैं देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये पहला और ये जो दूसरा हमारा आई सेक्शन है, इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ा है साइड से, देखिए प्लेट लगा के, साइड से ये प्लेट लगी हुई है, एक यहाँ से भी लगी हुई है अगर आप देख पा रहे होंगे तो, और फिर इसमें होल करके रिबेट हमने लगाए हुए हैं, तो इस तरीके से इन दोनों के दोनों कॉलम को हमने जोड़ रखा है। ठीक है समझ रहे हो, तो ये इक्वल होती है, मतलब इक्वल में दोनों की डेप्थ जो है बराबर होती है ये वाली। ठीक है अन इक्वल में क्या होगा, अन इक्वल में डेप्थ बराबर नहीं होगी, जैसे कि आप देखेंगे ना तो ये ग्रीन वाला थोड़ा सा इसका डेप्थ कम है, और ये अगर ब्लू वाला देखेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा सा कम हो गया। तो जब डेप्थ बराबर ना हो तो हम बोलते हैं कि ये अन इक्वल स्प्लाइसिंग है, राइट। और हमें आज पढ़ना है इक्वल स्प्लाइसिंग, मतलब ये वाला जो ड्राइंग है हमें बनाना है। अब इसमें पूछता क्या है एग्जाम में, एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, क्या कहेगा, पहले तो जो ये आपका यहाँ पे आई सेक्शन आपने यूज कर रखा है, ठीक है, इसको वो एज अ कॉलम बोलेगा, आई सेक्शन वहाँ पे यूज नहीं करेगा, वो बोलेगा कॉलम, क्योंकि स्प्लाइसिंग हम कॉलम की कर रहे हैं ना, लेकिन कॉलम में हम एक आई सेक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है तो वो क्या बोलेगा आपसे, बोलेगा कि ये कॉलम है। ठीक है अब बोलेगा इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है या कुछ इस तरीके से बोलेगा, जैसे कि मैं चलिए डेटा भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन का। देखिए ये जैसे क्वेश्चन है ये देख पा रहे होंगे आप, तो ये एक क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, ठीक है, जो कि आया हुआ है, तो ये इस तरीके से बोलेगा, जैसे बोला है कि ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन ही पूछा जाता है इनमें, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है तो फ्रंट पूछेगा साइड पूछेगा, ठीक है, और आपको इक्वल कॉलम स्प्लाइसिंग की जो ड्राइंग है वो बनानी है। ठीक है डेटा क्या दिया जाता है, तो जैसे कि ये कॉलम जो आप यूज करेंगे, कॉलम में क्या यूज करना है, ये आई सेक्शन, ठीक है ना, तो कॉलम का नाम दे रखा है इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, हैवी बीम करके दिया है और साइड में लिखा है 300। तो ये 300 क्या होता है आपको पता है, जब मैंने आपको सेक्शन बताया था तब बताया था कि ये इसकी डेप्थ होती है, राइट, तो ये समझिएगा। देखिए और ये आज पहला लेक्चर है तो थोड़ा सा ना टाइम लगेगा ड्राइंग को स्टार्ट होने में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग का पहला वीडियो है, तो थोड़ा सा चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती है, राइट, अगर आपका फोकस सिर्फ ड्राइंग पर है तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है समझ रहे हो, तो ये कवर सॉरी ये आपका कॉलम दिया था, इसके बाद आपका कवर प्लेट था, कवर प्लेट क्या था, ये जो साइड में लग रखा है आप देख रहे हैं पिंक कलर का, तो ये कवर प्लेट है, तो उसका डेटा दे रखा है ना, तो ये इतना डेटा देता है बट ये सफिशियंट नहीं है, आपको इसके बेस पर ही स्टील टेबल में जाके इसका डिटेल ढूंढना पड़ता है। जैसे कि ये कॉलम है तो ये सिर्फ कॉलम का नाम है, जैसे कि जो आई सेक्शन आपका यहाँ पे है ना बीम सेक्शन, तो उसी का ये नाम दिया गया है, बट हमें क्या चाहिए, ये जो फ्लैंज है ये जो बैब है इन सब का डिटेल चाहिए, कि ये जो हमारा फ्लैंज है ये कितना चौड़ा है, इसकी थिकनेस क्या है, ये जो बैब लग रखा है बीच में आई सेक्शन में जो वर्टिकल होता है उसको बैब बोलते हैं, तो बैब जो है उसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है ना, और ये सेम ही रहेगा क्योंकि ऊपर जो फ्लैंज का साइज़ है वही नीचे का है, तो ये सब डिटेल हमें चाहिए होती है, तो वो दोस्तों हम लोग स्टील टेबल में जाके ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं शायद आपको बता चुका हूँगा, लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो फिर आज देख लीजिएगा, आज इस वीडियो में बता देता हूँ आपको, बट अगले बार जो भी मैं ड्राइंग पढ़ाऊंगा उसमें आपको स्टील टेबल से डेटा ढूंढना नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है तो जैसे कि ये कॉलम है, अब मुझे इसका सारा का सारा डेटा ढूंढना है, तो मैं देखिए कैसे ढूंढूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ स्टील टेबल, एक सेकंड रुकिए। और दोस्तों स्टील टेबल का जो PDF है वो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, आप जाएंगे अपना जो चैनल है स्टडी सर्किल 2.0 तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, राइट। जैसे कि देखिए ये PDF ही है जो कि आपके सामने ओपन है, बाय चांस आप थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये पूरा PDF ही है, ये पूरा PDF स्टील टेबल का, और अगर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, तो आपका पूरा काम हो जाएगा, एक तो ड्राइंग का और दूसरा जो आपका थ्योरी वाला सब्जेक्ट है वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए डेटा कैसे देखना है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो मुझे देखना है किसका, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम का, मतलब बीम सेक्शन के बारे में मुझे जानना है, तो देखिए मैं इस तरीके से जाऊँगा नीचे, अलग अलग सेक्शन का डिटेल दिया जाता है, ठीक है, तो हमें जैसे ये दिया है टी सेक्शन का,
ये देखिए टी सेक्शन का है, तो टी सेक्शन का कुछ करना नहीं है, हमें सीधा जाना है कहाँ पे, बीम सेक्शन में। तो वहाँ पे बीम लिखा होगा या फिर आई सेक्शन लिखा होगा, राइट। जैसे कि ये कौन सा है, ये देखिए आई सेक्शन ही तो है, यहाँ लिखा है ना आई बीम करके, लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये सारा का सारा जो टेबल है ये डिफरेंट टाइप के सेक्शन है, जो हमारे आई सेक्शन होते हैं, जो बीम सेक्शन होते हैं, ठीक है। अब हमें किस टाइप का चाहिए, हमें चाहिए हैवी, एच लिखा है ना, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, राइट। तो अब जैसे आप साइड में जाएंगे ना, तो इस स्टेट लेवल में लिखा है ISJB, तो ये जूनियर बीम है, जहाँ जहाँ जे लिखा है ना सब में, ये देखिए सब में जे लिख रखा है ना, तो ये सब के सब जूनियर हैं, अभी हमें जूनियर नहीं चाहिए। और ये साइड में उनकी डिटेल लिखी होती है, जैसे कि आप देख लीजिए, अभी बाई चांस नीचे चले जाएंगे तो फिर नहीं दिखेगा, पहले कॉलम में वेट, दूसरे में उनका सेक्शनल एरिया कितना होगा, ये डेप्थ ऑफ सेक्शन है, जो कि हमें यहाँ से नहीं देखनी होती, साइड में ही लिखी होती मिल जाती है। जैसे कि ISJB लिखा है 150, तो ये उसकी डेप्थ है, तो वो हमें साइड में मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ लिखा 300, तो ये उसकी डेप्थ दी गई है, राइट। और इसके बाद जैसे आप देखेंगे थिकनेस ऑफ फ्लैंज दिया है, थिकनेस ऑफ वेब दिया है, ये सब चीज़ें हमें चाहिए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो सेक्शन है ना, वो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम है, तो हम एच पर जाएंगे, ठीक है। एच देखिए कहाँ पर है, ये सब एम हो गया, मीडियम, ये वाइड हो गया, इसके बाद देखिए ये रहा, देखिए ये सारी की सारी आपका यहाँ पे एच शुरू हो गया ना, देखिए लिख रखा है इंडियन स्टैंडर्ड एच भी लिखा है ना, तो ये हैवी बीम है सारी की सारी। बट डेप्थ कितनी दी है, 300 दी है ना, तो हम 300 वाली देखेंगे। देखिए 300 वाली ये दो दी हैं हमें, ISHB 300, ISHB 300, राइट, दिया है कि नहीं दिया, दो दिया है। तो आप उसने आगे कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया कि वेट क्या कितना क्या है ना, तो आप अपने हिसाब से जो है क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी का भी डेटा ले सकते हैं, या तो ऊपर वाले का या नीचे वाले का, 350 वाले का नहीं, ये जो दोनों 300 दिए हैं, ठीक है, मतलब नीचे से दूसरा और ये जो तीसरा दिया है इनका डेटा, ये जो साइड में डेटा लिख रखा है इसको आपको उठा लेना है, राइट। तो जैसे कि मैंने शायद नीचे वाले का लिख रखा है, जो सेकेंड नंबर पर है, नीचे से आप देखेंगे तो सेकेंड नंबर पर है, राइट, तो उसी का सब डेटा दिया रखा है। जैसे कि ये उसकी डेप्थ है, अब ये 250 क्या है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा, जैसे कि डेप्थ 300 थी तो मैंने यहाँ से 300 उठा लिया, फिर ब्रेथ ऑफ फ्लेंज 250 थी, ये शायद जो तीसरा चौथा कॉलम है, तो उसमें हमारी ब्रेथ ऑफ फ्लेंज दी है 250, तो वो मैंने उठा लिया। थिकनेस ऑफ बैब दिया था शायद कितना, 9.4, तो ये शायद 9.4 मेरा जो है थिकनेस है बैब का। इसी तरीके से फ्लेंज का थिकनेस 10.6 ये दे रखा है, ठीक है, इस कॉलम में, छठवें कॉलम में। आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ देखने को, देखिए यहाँ लिखा है ना छठवा में, ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज, राइट। तो इस तरीके से आपको ढूंढना होता है। तो मैंने आपको एक सेक्शन का ढूंढ के दिखा दिया। अब देखिए बहुत सारे सेक्शन यूज होंगे, कभी कभी जब हम आगे ड्राइंग पढ़ेंगे तो दो दो तीन तीन सेक्शन भी आएंगे, तो हमें तीनों सेक्शन की ड्राइंग मतलब जो डेटा होगा अलग से निकालना होगा। अभी मैंने सिर्फ एक का लिखा इतना बस, अब ये जो डेटा है ये हम यूज़ करेंगे ड्राइंग में। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये स्टील टेबल एग्जाम में अलाउ होगी, बिल्कुल होगी, आप ले जा सकते हैं, और अगर नहीं ले जाने दे रहे हैं तो आपको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, राइट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर भाई साहब यही नहीं देंगे तो ड्राइंग कैसे बनाएंगे वहाँ पर, ठीक है, आप पेपर ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को लेकर एक्टिव रहिएगा, क्योंकि अगर कॉलेज के टीचर सो रहे हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा, राइट, समझ गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता ये सब चीज़, आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो अपने HOD से डिस्कस कर लीजिएगा, तो वो सब ये अरेंजमेंट आपका करा देंगे, राइट। तो अब मैं इसको साइड में रख सकता हूँ, डेटा मेरे पास है सारा का सारा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग में मुझे सिर्फ फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन ही बनाना होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, राइट। तो अब जैसे कि मैं अगर इसी इक्वल ये था ना मेरा, बाकी पहले नीचे का जो सब ड्राइंग है रख देता हूँ साइड में, राइट, ये देखिए। अब इसी ड्राइंग में मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे फ्रंट व्यू बताइए कैसा दिखेगा और साइड व्यू बताइए कैसा दिखेगा, थोड़ा सा हम इमेजिन करते हैं चीज़ों को, राइट। तो जैसे मान लीजिए फ्रंट में देखूंगा तो फ्रंट ये होगा सामने से, अरे ये ही होगा ना फ्रंट सामने से, एंड साइड होगा ये यहाँ से देखूंगा तो जब मैं फ्रंट से देखूंगा तो बताइए मुझे क्या दिखाई देगा, बस इमेजिन करना है आपको, कुछ नहीं, सिर्फ इमेजिन करना है। तो जब मैं दोस्तों सामने से देखूंगा तो क्या मुझे जो ये आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन का जो ये फ्लेंज होता है, क्या होता है फ्लेंज, तो क्या मुझे इस फ्लेंज की ये थिकनेस दिखाई देगी, बताइए जल्दी से, दोनों साइड की ये भी क्या फ्लेंज की थिकनेस मुझे दिखाई देगी जब मैं फ्रंट व्यू देखूंगा, दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी, और क्या दिखेगा, ये पूरी डेप्थ आपको दिखाई देगी, राइट। इसके साथ ही साथ क्या जो मैंने साइड में कवर प्लेट लगा रखी है उसकी थिकनेस भी मुझे दिखाई देगी क्या, बिल्कुल दिखाई देगी, और वो भी दोनों साइड की, बस इतना ही दिखाई देगा, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब एक रेक्टेंगल बनने वाला है आपका, जिसमें आपको इस साइड थिकनेस दिखानी है इस वाले फ्लेंज की, फिर इस वाले फ्लेंज की, और साइड में कवर प्लेट दिखा देनी है, बस
तो फ्रंट आपका जो एलिवेशन होगा तैयार हो जाएगा। अब मैं अगर साइड से बात करूँगी, साइड से क्या दिखेगा, इस साइड से, तो इस साइड से आपको क्या दिखेगा, इस साइड से आपको दिखने वाला है जो यही आपका फ्लैंज है, उस फ्लैंज का चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है वही तो दिखने वाला है ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक, और उसी चौड़ाई का आपका ये कवर प्लेट भी है तो वो भी इसी में आ जाएगा, और इसमें लगे हुए जो रिवेट है वो आपको दिखाई देंगे। और कुछ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। एक चीज़ और है दोस्तों, ये जो बैब है ना, उस बैब की जो थिकनेस है वो भी आप देख सकते थे, बट वो हिडन है, नहीं दिखेगी, तो हिडन पार्ट को डॉटेड कर देंगे हम लोग, तो पूरा यहाँ से डॉटेड कर देंगे हम लोग, ठीक है, जितना उसका थिकनेस होगा। तो क्या इतना समझ पाए आप लोग, क्या इतना समझ पाए आप लोग? चलिए, तो इतना आप आई होप समझ गए होंगे, ठीक है, इमेजिन भी बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और अब मैं करता हूँ इसका जो ड्राइंग है वो स्टार्ट, राइट। बट एक चीज़ कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं, वो है स्केल। विदाउट स्केल ड्राइंग हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, थोड़ा सा ये भी सोचिएगा, तो स्केल आपको मानना पड़ेगा, राइट। तो स्केल दोस्तों मैं इसके लिए मान ले रहा हूँ 1/5 का, ठीक है, समझ रहे हैं। और आई होप ये तो मैं आशा कर ही सकता हूँ कि हम लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं, और वो भी फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो कम से कम किसी वैल्यू को हम लोग कैसे स्केल से चेंज करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, और ड्राइंग मेरे से पढ़ी है तो आ ही गया होगा यार, है ना, इसमें क्या पूछने वाली बात है, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर भूल चुके हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किसी भी वैल्यू को कैसे स्केल में चेंज करना होता है, ठीक है, क्योंकि यही नहीं आएगा तो फिर सब मामला ख़राब हो जाएगा, राइट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैं जो स्केल मान रहा हूँ दोस्तों, वो मैं मान ले रहा हूँ मान लीजिए 1/5 का, ठीक है, और कैलकुलेटर भी आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, ये भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा, राइट। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले बना रहा हूँ इसका फ्रंट एलिवेशन, फिर बनाऊँगा साइड एलिवेशन, ठीक है। तो मैं फ्रंट एलिवेशन जब बनाऊँगा तो मुझे क्या दिखने वाला है दोस्तों, फ्रंट एलिवेशन में मुझे सबसे पहले ये जो डेप्थ दी है ना, ये जो डेप्थ है वो डेप्थ मुझे दिखने वाली है, ठीक है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर की जो पूरी डेप्थ है वो मुझे दिखने वाली है। तो कितनी दी गई है इस सेक्शन की जो डेप्थ है वो कितनी दी गई है, वो डेप्थ दी गई है 300। अब मैं स्केल कितनी ले रहा हूँ, देखिए मैं स्केल यहाँ ड्राइंग में लिखने वाला हूँ, ठीक है, मतलब आपको लिखनी है, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो मैं स्केल लिख देता हूँ 1/5, दिख रहा है बिल्कुल, देखिए मैंने स्केल लिख दिया 1/5 का। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मैं ड्राइंग देखिए पेन से बनाता हूँ, जैसा कि आप सबको पता है, तो जो नए स्टूडेंट हैं पहली बार चैनल पे जुड़े हैं वो फिर से सुन लीजिएगा कि मैं पेन से बनाऊँगा तो आपको एग्ज़ाम में पेन से नहीं बनाना है, आपको पेंसिल यूज़ करना है, ठीक है, आप एच पेंसिल ले लीजिए, एच बी पेंसिल ले लीजिए, ठीक है। तो इनकी हेल्प से जो है आपको क्या करनी है, ड्राइंग बनानी है, कौन सी पेंसिल कब कहाँ कैसे यूज़ करनी है वो सब बता चुके हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं पेन से बनाऊंगा, पेन से इसलिए बनाऊंगा ताकि वो थोड़ा सा आपको अच्छा दिखे, राइट, समझ गए। तो दोस्तों 15 से 16 मिनट हो चुके हैं इन सब बातें करते करते, और अब हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग, ठीक है। चलिए, तो अब दोस्तों मैंने जो स्केल मानी थी उसको मैं चेंज करूँगा, राइट। तो ये देखिए मेरा जो डेप्थ है ना, जो मेरा डेप्थ है वो 300 था, तो मैंने ये 300 करा, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए 300 करा और डिवाइड किया किससे, 5 से, ये 300 mm है, तो 5 से डिवाइड करने पर मेरा 60 mm आ गया, मतलब 6 सेंटीमीटर। तो मुझे कितना खींचना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर खींचना पड़ेगा, राइट, 6 सेंटीमीटर मुझे खींचना पड़ेगा। पेन कहाँ चला गया दोस्तों, 1 सेकेंड रुकिए, ये रहा, ठीक है। चलिए, तो ये लिया प्रभु का नाम, और हमारी जो पहली ड्राइंग है वो हो चुकी है स्टार्ट, ठीक है, इक्वल कॉलम स्प्लाइसिंग, राइट ना। चलिए, तो मैंने 6 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस ली दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, देखिए ये मैंने लिया 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, राइट, ये देखिए 6 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस लिया, और मैं पेन से बना रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आप मत बनाइएगा पेन से, ठीक है, आप बनाइएगा दोस्तों पेंसिल से, ठीक है। चलिए, तो ये कितना था दोस्तों, 300 mm था ना, सारी जो मेजरमेंट रहेगी mm में ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये कितना है, 300 mm है। देखिए अब 3D डायग्राम कहाँ चला गया, ये रहा, ये जो है मैंने 300 लिया है, ठीक है, 300 लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाई देगी, थिकनेस दिखाई देगी ना, ये थिकनेस, ठीक है, आउटर से आउटर तक की होती है, या इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक 300, ठीक है। तो अब मैं इसको वर्टिकली इस तरीके से ले जा रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है यहाँ तक, तो दिख ही रहा हुआ, देखिए ये मैं वर्टिकल ले गया यहाँ तक, और इस साइड से भी इस तरीके से ये ले गया वर्टिकल, और मैं इसको नीचे से कट कर दूंगा, राइट। अभी ड्राइंग इमेजन नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और बनेगी तो अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब जो देखिए आपका जो ये फ्लैंज था ना, फ्लैंज की जो थिकनेस दी गई थी वो थिकनेस भी ना इसी के अंदर होगी, बाहर मत ले जाइएगा, आप सोच रहे हो अंदर अंदर 300 है, नहीं 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 नहीं, पूरा आउटर से आउटर तक 300 होता है, ठीक है। एक आई सेक्शन जब आप लिख, आई लिखिए ऐसे, आई का टॉप से बॉटम तक लेते हैं पूरा डेप्थ, ठीक है।
समझ गए। तो यानी कि अब जो डेप्थ में लूँगा अंदर लूँगा यहाँ से भी अंदर, तो अब डेप्थ ऑफ फ्लैंज कितनी दी है वो मुझे देखनी पड़ेगी। तो सॉरी डेप्थ नहीं बोलेंगे ना एक्चुअली, उसको हम थिकनेस बोलेंगे। कहाँ चला गया ये मुझे देखना है फ्लैंज, तो फ्लैंज का थिकनेस कहाँ चला गया। देखिए ये लिखा है फ्लैंज का थिकनेस 10.6 mm, क्या दिया है ये, जो ये देख यहाँ लिख रखा है ना इसने फ्लैंज थिकनेस, तो ये दिया है मेरा 10.6 और वो भी mm में। अभी बता रहा हूँ सारी मेजरमेंट mm में ही है, मैं इसी में लिख दूँ क्या सारी मेजरमेंट, तो फिर आपको और थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। देखिए ये है हमारा 10.6 एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ कि ये मेरा डेप्थ कितना था पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरा 300 mm था राइट। चलिए और मज़ा आएगा अब हमें पढ़ने में, देखिए इसी में दिखा देते हैं, जब अपने पास 3D डायग्राम है तो क्या दिक्कत है। ठीक है ये हो गया, अब देखिए ये बैब का थिकनेस दिया है ना, तो बैब का थिकनेस कितना दिया है 9.4, तो ये मेरा 9.4 दिया था। ठीक है देखिए ये मेरा कवर प्लेट है, मैं उसका भी डेटा लिख देता हूँ। ठीक है कवर प्लेट जो है मेरा दिया है 400 × 250 × 12 है, तो 12 तो एक्चुअली में इसकी थिकनेस होगी, ये जो थिकनेस है ना ये 12 होगी। ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 12 mm। ठीक है ये इसका थिकनेस है, इसी में दिखा देते हैं थोड़ा सा, बार बार इसको नहीं देखना पड़ेगा ना क्योंकि 3D डायग्राम वैसे भी हमारे साथ में ही है और वीडियो बड़ा हो जाएगा ये गारंटी है, क्योंकि पहला है समझाना कुछ एक्स्ट्रा है थोड़ा सा है ना, और बहुत सारी बातें भी मैंने बोली हैं आपसे तो इसलिए बड़ा हो गया। ठीक है तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन कोई अगर नया स्टूडेंट आया होगा तो वो ज़रूर इरीटेट हो रहा होगा कि क्या बताया जा रहे हैं भाई। ठीक है ना चलिए, तो ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है अपना कि वीडियो बहुत बड़ा बनाना है या, ठीक है आप समझ सकते हैं, मेन चीज़ है आपको समझाना राइट। तो ये 12 हो गया ना ये थिकनेस था, अब ये देखिए 400 था और ये 250, तो ये 250 क्या हो सकता है आप मुझे बताएंगे, ये 250 क्या हो सकता है, क्या इस कवर प्लेट का ये पूरा हाइट है 250 या फिर ये चौड़ाई है 250। तो भाई साहब चौड़ाई है 250, क्यों, क्योंकि ये जो आपका यहाँ पे फ्लैंज है ना उसकी चौड़ाई भी 250, देखिए ब्रेथ ऑफ फ्लैंज 250, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी मेरा कितना है 250 है, कितना है 250 समझ गए। तो यानी कि अब जो हाइट है वो मेरी 400 है, तो मैं साइड में लिख देता हूँ ठीक है, इस तरीके से ये पूरा 400 है, मैं अब इसको रखता हूँ साइड में। ठीक है चलिए इतना मैंने कर दिया, अब मुझे क्या करना था, ये जो मेरा फ्लैंज था उसका थिकनेस लेना है 10.6, तो मैं इसको जब 5 से डिवाइड करूँगा तो 2 कुछ करके आएगा वो भी mm में राइट, तो मैं लगभग 2 mm ले लेता हूँ। ठीक है ये मैंने 2 mm जो है लगभग में ले लिया, क्या इतना समझ में आ गया। ठीक है इस साइड पे थिकनेस दिखा दिया, इसी तरीके से लगभग मैं 2 mm यहाँ ले लीजिए। ठीक है ये देखिए, तो ये दोनों साइड से जो हमारा कह सकते हैं दोस्तों ये फ्लैंज होता है उसका थिकनेस हम लोग दिखा चुके हैं राइट। तो क्या अब मैं इसको ऊपर से भी कट कर दूं क्या ऐसे, ठीक है क्योंकि आप ऊपर कट कर सकते हैं, हाइट तो कॉलम की कितनी भी हो सकती है ना, तो आप पूरा थोड़ी बनाते रहेंगे हम लोग, तो उसको आप कट कर दीजिए। ठीक है तो ये हमने कट कर दिया राइट, और आप कहीं मान लीजिएगा कि मतलब यहाँ बीच में से ऐसे जोड़ दीजिए ना इसको, कैसे ऐसे क्यों, क्योंकि हमने 2 यूज करे हैं ना, ये पहला वाला कॉलम मान लीजिए जो भी मानना हो, ये पहला मान लीजिए, ये पहला है और ये दूसरा, अभी एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो जब सामने से देखेंगे ना तो वो ऐसे ही दिखेगा। ठीक है अब काम क्या बचा है, अब बचा है हमारा साइड में जो कवर प्लेट है, कवर प्लेट की भी थिकनेस भी दिखानी है हमें। ठीक है तो कवर प्लेट की टोटल हाइट कितनी है 400, तो हम क्या कर रहे हैं सेंटर से 200 ऊपर ले रहे हैं और सेंटर से 200 नीचे ले रहे हैं। ठीक है चलिए तो अब आप क्या करिए 200 को डिवाइड कर दीजिए आपका, सॉरी 2 से नहीं 5 से, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है 40 mm यानी कि 4 cm बोल सकता हूँ ना, 4 cm, तो मैं 4 cm क्या करूँगा ऊपर चला जाऊँगा, ये थोड़ा सा ना टेल्ड हो चुका है, 4 cm मैं ऊपर चला जाऊँगा और 4 cm ही मैं नीचे आ जाऊँगा राइट। ये कितना हो जाएगा 2, 3, 4 सही है क्या, चलिए इस तरीके से राइट। लेकिन अब मुझे उसकी थिकनेस भी तो लेनी है कितनी है, तब जाके मैं कवर प्लेट बनाऊंगा, तो थिकनेस जो है कवर प्लेट की कितनी है 12 mm है, तो मैं इसको भी अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो 2 कुछ आएगा राइट, तो मैं इसको भी 2 mm ही मान लेता हूं। ठीक है अब ये मत कहना सर 2 कुछ और आ रहा है, उसको भी बना के दिखाइए, मेरा ये देखिए पेन ही इतना मोटा है दोस्तों, मैं कैसे बनाऊँ उसको। ठीक है तो ये आप समझ सकते हैं, इतने तो आप समझदार हैं राइट। चलिए तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया मैंने साइड से भी कुछ इस तरीके से राइट, 2 mm मैंने लिया और ये कहाँ तक आएगा यहाँ तक ना, तो ये मेरा कवर प्लेट बन गया। बताइए क्या फ्रंट में हमें यही दिखेगा, क्या फ्रंट में देखने पर मुझे यही दिखेगा दोस्तों बताइए, इसके अलावा कुछ और अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे बताइए, क्या इसके अलावा आप कुछ और देख पा रहे हैं, अभी नहीं दिखेगा। अब ये मत कहना सर रिवेट वगैरह कुछ
तो अभी नहीं, वो हम बाद में दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा अभी आपका एज डिस्टेंस और पिच का, तो उसमें कंफ्यूज होंगे आपको। वैसे तो उसको कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा, उसको याद करिए, ठीक है। चलिए, तो फ्रंट में बस यही देख पाऊंगा, आई होप देख पा रहे होंगे आप लोग भी। ये रहा 3D और ये रहा 2D। देखिए क्या फ्रंट में यही दिख रहा है, ये नीचे वाला कॉलम ये रहा, ऊपर वाला ये रहा, ठीक है। ये मेरा फ्लैंज है और ये मेरा कवर प्लेट का थिकनेस है, ठीक है। चलिए, अब जो डेटा वगैरह दिखाना है ना, जैसे कि ये मेरा क्या था, कॉलम था, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम थी, ठीक है, जो कि 300 mm गहरी थी। ये मेरा कवर प्लेट है, तो इनकी नेमिंग वगैरह है, तो वो एक साथ हो जाएगी, ठीक है। पहले ये बताइए, इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दोस्तों, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली भैया आ गए थे, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करना पड़ा मुझे, राइट। तो मैं फ्रंट एलिवेशन आपको बता चुका हूँ, अब आप बनाइए इसका साइड एलिवेशन, ठीक है। मतलब साइड व्यू जो होगा, यहाँ से साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, राइट। तो कुछ नहीं करना, इसके प्रोजेक्शन साइड में ले लेंगे हम लोग, और साइड से हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो फ्लैंज है उसकी चौड़ाई ही तो लेनी है, और इतने में हमको जो हमारी कह सकते हैं कवर प्लेट है वो हमको दिखा देनी है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दूँ, और प्रोजेक्शन के लिए हम लोग हेल्प लेंगे दोस्तों किसकी, जो हमारी पेंसिल होगी उसकी, राइट। क्योंकि पेन से इस तरीके से आप प्रोजेक्शन लेंगे, राइट। तो ये टॉप से ले लीजिए, ये देखिए यहाँ से प्रोजेक्शन हमने ले लिया, ये थोड़ा सा सेंटर से भी प्रोजेक्शन ले लीजिए, ठीक है। और ये कवर प्लेट का भी प्रोजेक्शन आप ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप महसूस करते रहिए, इसको फील करते रहिए, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, आप मुझे ये बताइए, एक सेकेंड, ये रहा, ये जो फ्लेंज था इसकी चौड़ाई कितनी थी? ये देखिए 250, राइट। 5 से डिवाइड करिए, शायद मुझे लग रहा है कि 50 mm आएगा, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर, राइट। तो क्या मैं 5 सेंटीमीटर इस तरीके से खींच सकता हूँ दोस्तों? 5 सेंटीमीटर क्या मैं इस तरीके से खींच सकता हूँ, बताइए? ये देखिए 5 सेंटीमीटर, इसको यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सा। ठीक है, और इसको भी यहाँ से कट कर दीजिए, ऊपर दिख रहा है ना आपको, बहुत अच्छे से दिख रहा है, राइट। तो इतना तो मैंने कर दिया, क्या इतना आपको समझ में आया, बताइए। अब कवर प्लेट भी आप ये थोड़ा सेंटर भी यहाँ दिखा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉलम आकर के मिले हुए हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये दिखा दिया, और ये कवर प्लेट मेरी यहाँ तक लगी हुई है, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। तो ये कवर प्लेट ऊपर से लगी हुई है एक्चुअली उसके, ठीक है। तो साइड में यही दिखेगा। चलिए, इतना पहले आप इसमें देखिए 3D डायग्राम में, बताइए साइड से, यहाँ से जब देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? एक पहले तो रेक्टेंगल ये दिखाई देगा, कवर प्लेट वाला, ये कवर प्लेट का ही तो रेक्टेंगल है ये वाला, और ये पूरा बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है, ये कॉलम का साइड वाला है, फ्लैंज का जो दिख रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चौड़ाई आप दिखा दीजिए, और थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाया करो तो आप समझ जाया करिए, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन पर्पज कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, मेरा मेन पर्पज है ड्राइंग का, ठीक है। क्योंकि मैं देखा हूँ, मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ 3 साल से, तो मतलब कैलकुलेशन जब गलती हो जाती है बाई चांस कभी, तो उसी पे फोकस रहता है बच्चों का कि ये कैसे हो गया भाई। वो चलो छोड़ो यार, तुम ये बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने चौड़ाई यहाँ पे दिखा दी, कितनी थी? 250 थी, राइट। तो ये 250 mm लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ रहेगी ये दोस्तों, जो हमें डॉटेड करके दिखानी है, वो है ये जो बैब हमारा बना हुआ है ना बीचों बीच, जब यहाँ साइड से देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा, तो उसको मुझे डॉटेड करके दिखाना है, किस तरीके से डॉटेड। तो कुछ नहीं करना, इसका सेंटर लीजिए पहले आप, इसका जो ये 250 था तो कितना था, 5 था ना, तो इसका 250 ले लीजिए, और इस तरीके से आप चाहें तो ये सेंटर पॉइंट बेसिकली मिल गया, वरना ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ कर लीजिए बस। अब ये देख लीजिए कि कहाँ गया 3D डायग्राम। अब आप ये देख लीजिएगा कि ये जो बैब है इसका थिकनेस कितना है, 9.4 है ना, तो 9.4 को स्केल में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है। 9.4 बेसिकली आप 2 mm मान सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, क्योंकि वो 2 से तो कम आएगा, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 कुछ करके 1.8 आएगा, ठीक है। तो आप लगभग 1 mm इस साइड ले लीजिए, 1 इस साइड ले लीजिए, ठीक है, यही आप कर पाएंगे और, ठीक है। कहाँ गया पेन, ठीक है। तो ये मैं ले रहा हूँ लगभग 1 mm इस साइड और 1 mm इस साइड, ठीक है, और ये मैं डॉटेड करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है, बैब है, जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ साइड से,
राइट। तो क्या इस तरीके से दिखेगा आपको दोस्तों, बताइए साइड से क्या इसी तरीके से दिखेगा ये 3D डायग्राम आपका, ये जो साइड से है आपको कुछ। अभी ये रिवेट पे फोकस मत करिए, जो ये रिवेट लगे हुए वो सब लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या ये ऐसा ही दिखेगा? ठीक है, ये हमारा जो बैप था तो वो हमने डॉटेड दिखा दिया, राइट। चलिए तो ये हो गया दोस्तों, ये कवर प्लेट में थोड़ा सा नेमिंग भी जल्दी जल्दी कर दूँ। ये मेरा कवर प्लेट है और ये मेरा क्या था, ये मुझे दिया था इंडियन स्टैंडर्ड, ये इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम था ना, हैवी बीम था 300 करके कुछ दिया था, ठीक है। ये यहाँ लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दीजिए इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300, राइट ना। और क्या बचा है? बस यही तो बचा था। और ये एक्चुअली दोनों का आप नेमिंग करिए, क्योंकि यहाँ दो कॉलम है ना, एक ऊपर भी नीचे भी, तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम और वो भी 300, और ऊपर वाला भी जो आपका है ये इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 300 करके, ठीक है। ये आपका कवर प्लेट है, क्या है दोस्तों? कवर प्लेट है। चलिए अभी तो कवर प्लेट हमने चिपका दिया है, सिर्फ ऐसे नहीं चिपकेगी, इसमें होल करके रिवेट लगाने पड़ेंगे तब जाके लगेगी, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं ये रिवेट लगे हुए, तो कैसे लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, ये एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जो कि आप जब थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा। हालाँकि मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूँ कि आप इतना कर दिए हैं, बस अब आपका मेन जो काम बचा है वो रिवेट लगाने का है, तो वो सिर्फ लगाना सीख लीजिएगा, आपका पूरा भरपूर नंबर मिलेगा, जो आपका एग्जामिनर होगा बहुत बेहतरीन नंबर आपको देगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि अब एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, ये एज डिस्टेंस और पिच वगैरह जो हमारा रहता है वो हमको किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो देखिए वैसे तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब कैलकुलेट करते हैं ना, तब भी हम एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि हमारी जो मिनिमम वैल्यू है उससे हमें नीचे नहीं जाना है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ऊपर नहीं जाना है, बीच में रहना है डिजाइन करते टाइम, और डिज़ाइन करते टाइम थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही सकता है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कोई याद नहीं करता। हालांकि जब कैलकुलेट करेंगे तो निकल आएगा, लेकिन मैं आपको लगभग में तो बता सकता हूँ ना कि आप लगभग में इतना याद कर लीजिएगा और उसके बेस पे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो आप एज डिस्टेंस की दोस्तों कुछ वैल्यू याद कर लीजिए स्प्लाइसिंग के लिए, और आपका जो कह सकते हैं पिच है उसका आप कुछ वैल्यू याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैं भी आपको बता देता हूँ, वो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। एज आप 40 ले लीजिए और आपका जो पिच है वो आप 60 ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से उसको लेना है, तो मैं बताता हूँ आपको, देखिए इसमें कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए अब ये कॉलम है ना, तो कॉलम पे लोडिंग ऐसी होनी है ना इस डायरेक्शन में। मैं आपको पिच कैसे और एज डिस्टेंस कैसे देखते हैं वो सब बता चुका हूँ आपको। अगर मैं इसी में आपसे पूछूं कि पिच आपका क्या होगा, तो पिच पता है क्या होगा? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक ये जो डिस्टेंस होगी ये पिच होगी आपकी, क्योंकि लोडिंग ऐसे ही तो हो रही है इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस होती है ये पिच ही तो होती है हमारी, और ये गेज होती है, और ये जो किनारे से डिस्टेंस होगी हमारी ये वाली, ये एज डिस्टेंस होगी। इसी तरीके से ये जो छोटी सी डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं ये आपकी एज डिस्टेंस होगी। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? तो एज ले रहा हूँ मैं 40, एज ले रहा हूँ 40, और ये जो दो रिवेट की ये वाली डिस्टेंस है ये ले रहा हूँ मैं पिच 60, राइट, इस तरीके से, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए दोनों साइड? चलिए तो अब जब हम यहाँ इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको देखना है आपको, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ सेंटर पर हैं, अब सेंटर से आपको ऊपर की ओर जाना है रिवेट लगाते हुए, और नीचे की ओर आना है रिवेट लगाते हुए, ठीक है। तो अब देखिए दोनों किनारों पे एज डिस्टेंस होती है, बीच में पिच लगाते हैं, पिच डिस्टेंस होती है, तो यहाँ से पिच लेंगे, पिच और लास्ट में जो बचेगी वो एज डिस्टेंस होगी, तो पिच हमें 60 लेनी है। तो आप इसको थोड़ा सा लीजिए, ठीक है, और इसको डिवाइड करिए, तो 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो ये 12 mm हमारा आ जाएगा, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर के करीब। तो यहाँ इस तरीके से आप रखिए, देखिए इसको, और 1.2 करके इस तरीके से इसको लीजिए, ठीक है। फिर आप यहाँ रखिए इस तरीके से 1.2, फिर लीजिए, और इस तरीके से एक बार लास्ट में यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 1, 2, 3 रिवेट आपके लग जाएंगे। आप डायग्राम मत देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 डायग्राम कहाँ चला गया। देखिए अब देखिए 3 डायग्राम देखिए, तो अब ये मत कहना कि सर सेंटर तो कहीं यहाँ आ रहा था, दो ही रिवेट लगाए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो 3 डायग्राम है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, वो तो अपना अलग ही मेजरमेंट के हिसाब से बना है, ठीक है। कितना रिवेट लगा कितना नहीं उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लगाना है, ठीक है। तो 3 रिवेट हमने लगा दिए, अब देखिए लगाना कैसे है, इनको आप ऐसे लगाएंगे, देखिए यहाँ एक रिवेट लग गया, दूसरा,
और ये तीसरा, ठीक है। इसी तरीके से इस साइड लगाइए, एक, ये दो, ये तीन, ये साइड व्यू दिख रहा है, ठीक है। और वह यही सेम काम जिस तरीके से ऊपर किया वही नीचे कर दीजिए, और फिर इसी का प्रोजेक्शन ले जा करके यहाँ आप या तो प्लस साइन के साथ या डॉट साइन के साथ लगा सकते हैं। आप साइड में देखेंगे तब जाके आपको गोल गोल रिवेट दिखाई देंगे, अभी साइड से थोड़ी दिखाई देंगे। अगर मैं कहूँ साइड से रिवेट दिखाई देगा तो नहीं, क्योंकि वो ऐसे ऐसे अंदर है, ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, लंबाई में। तो ये इस तरीके से कुछ है, ठीक है, हालांकि अंदर लगा हुआ है लेकिन यहाँ दिखाना होता है, राइट। लेकिन जब इसी को आप साइड से देखेंगे तो ये जो है आपको यहाँ दिखाई देगा इस तरीके से। तो इसका प्रोजेक्शन लेके इस तरीके से यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो ठीक इसी तरीके से आप क्या करिए, नीचे लगा दीजिए रिवेट को, ठीक है। तो आप जल्दी से 1.2 ले लीजिए यहाँ से भी। तो ये मैंने ले लिया और 1.2 यहाँ पे एंड 1.2 यहाँ पे, ठीक है। तो एक रिवेट मेरा यहाँ लग जाएगा और एक रिवेट यहाँ पे लग जाएगा, एक रिवेट यहाँ पर, एक रिवेट यहाँ पे। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, पेंसिल कहाँ चलेगी, प्रोजेक्शन डालना पड़ेगा, क्योंकि ये रहा देखिए। अब इनका प्रोजेक्शन आप ले जाइए सामने, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्रोजेक्शन ऐसे लाइए इस तरीके से, ये मैं प्रोजेक्शन यहाँ लेके आ रहा हूँ, राइट। तो ये प्रोजेक्शन आ गया। अब ये मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, अब 3D डायग्राम देखिए, ठीक है। अब ये मैं ये वाले रिवेट दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये साइड से कुछ दूरी भी तो लेनी है हमें ये वाली। तो एज डिस्टेंस के बराबर ले लीजिए आप लोग, 40 के करीब आप ले लीजिए, ठीक है। और फिर क्या करिए, रिवेट लगा दीजिए। कुछ लोग दोस्तों ऐसा कर लेते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं, जो ये डिस्टेंस बची हुई है ना इसी का सेंटर लेके लगा देते हैं, लेकिन शायद वो मैथड गलत होता है, क्योंकि एज डिस्टेंस हमें यहाँ पे भी छोड़नी है, ठीक है। ये एज डिस्टेंस ही तो है, तो जब यहाँ 40 छोड़ा तो यहाँ से भी एज डिस्टेंस 40 होना चाहिए हमारा, ठीक है, यानी कि 8 mm के करीब। तो आप दोनों साइड से 8 mm के करीब छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपका इस तरीके से यहाँ एक रिवेट आएगा, यहाँ एक रिवेट आएगा, यहाँ एक रिवेट आएगा, हाँ यहाँ एक रिवेट आएगा, यहाँ एक रिवेट आएगा, यहाँ एक रिवेट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से साइड से भी छोड़ दीजिए, 8 mm छोड़ना है, ठीक है, बोल रहे हैं 8 mm, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मैं प्लस साइन के साथ रिवेट दिखा रहा हूँ, आप चाहें तो मतलब उसको गोल गोल करके दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये तो पेंसिल से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, पेन से कर लेना, पेंसिल से जहाँ प्लस साइन है मतलब वहाँ उसका सेंटर है रिवेट का, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे दोस्तों। तो अगर आप इसको थोड़ा सा पेंसिल से ही बनाइए, मैंने बना दिया है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि मुझे पेन से बनाना चाहिए जब मैंने सारी ड्राइंग इसी से बनाई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 60 है, इस साइड से ये भी 60 रहेगा, और ये जो लास्ट का बचेगा वो 40। अब एक्चुअली ये 40 नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ना ये बॉल पेन की हेल्प से बनाया है, एक्चुअली बहुत मोटा पेन है, तो थोड़ा सा साइड में जगह कम बची है, बट आप जब पेंसिल से बनाएंगे ना तो वो आप जब देखेंगे तो वो 40 ही आएगा, और जोड़ेंगे तो पूरा इसकी हाइट के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये 60 था, इसको मैं कितना माना था, 30 माना था, एज डिस्टेंस कितना माना था दोस्तों, ठीक है, आप थोड़ा बताइए। एज डिस्टेंस की जो वैल्यू मैं बताया था आपको, 40 बताया था ना, चलिए तो आप 40 लीजिए इसको, 60 और 40 याद रखिएगा, ठीक है, ये जो किनारे से, तो 40 मैं यहाँ ले लिया हूँ, सारा का सारा जो ये वैल्यू है वो mm में ही है, ठीक है। तो ये mm में है, ये भी mm में है, तो एक तरफ मैं दिखा दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अब ये आपका जो कंप्लीट होता है, ये तो कंप्लीट हो गया फ्रंट एलिवेशन, और ये कंप्लीट हो गया साइड एलिवेशन। अब थोड़ा सा 3D डायग्राम कहाँ है उसको भी साथ में देखते रहिए, ठीक है। ये देखिए ये 3D डायग्राम है, थोड़ा सा कवर प्लेट का मैं साइज लिख देता हूँ, कवर प्लेट का साइड था, साइज था 400, 250 और 12, राइट, ये सब का सब mm में है। देखिए अब खुद आप इमेजिन करिए, क्या जब फ्रंट से आप देखते तो क्या यही दिखता, और क्या जब इसको साइड से देखते तो क्या आपको यही दिखता, ठीक है। इतना चीज़ें आप इमेजिन करिए और बताइए उसके बाद, ठीक है। बस यही बनाना था दोस्तों, इसका प्लान वगैरह नहीं आता है, सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो वो आपने इस तरीके से बनानी है, राइट। तो ये दोस्तों पहला जो आपका होता है क-
कह सकते हैं दोस्तों इक्वल कॉलम स्प्लाइसिंग वो आपका फिनिश होता है। ठीक है, समझ गए। और कुछ नेमिंग अगर आपको अपने हिसाब से करनी हो तो कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारा नेमिंग दिया है, कवर प्लेट वगैरह आपको बैप दिखाना है, ये सब आप लिख सकते हैं अपने आप से। मेरा मेन पर्पज़ ये लिखना बिखना नहीं है, मेरा मेन पर्पज़ है ड्राइंग सिखाना, तो वो मैंने आपको सिखा दिया। राइट, अब आप लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, इसको बैप दिखा दीजिए, ये बैप है, ये फ्लैंज है उसका, राइट, ये फ्लैंज का थिकनेस है, वो भी आप शो कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे कितना लिया था हम, 10 पॉइंट कुछ लिए थे ना, कितना था, 10.6 था। डायमेंशनिंग करना तो आपको आता ही है, ये 10.6 है, तो इस तरीके से आपको दिखाना है। राइट, ये कवर प्लेट का थिकनेस है, ये वाला, ये जो है कवर प्लेट का थिकनेस, ये कितना था, कवर प्लेट का थिकनेस देखिए ये 12 था, तो आप इसको 12 दिखा दीजिए इस तरीके से, 12 एम एम, और लिख भी दीजिए साइड में थिकनेस ऑफ कवर प्लेट। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका इक्वल कॉलम स्प्लाइसिंग ख़त्म हुआ। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि स्केल लिखना नहीं भूलना है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपका, ये स्केल है और ये रहा आपका इक्वल कॉलम स्प्लाइसिंग। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये आपका 6th सेमेस्टर का पहला ड्राइंग आपको पसंद आएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से ही आपको ये समझ में भी आएगा। अब देखिए, ड्राइंग तो आपने बना ली, लेकिन अब इसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब तक इसका 3D डायग्राम साथ में ना हो। राइट, और समझाया तो आपको समझ में भी आया होगा, तो इसीलिए इन डायग्राम को जब मैं भेजूं टेलीग्राम पे, तो जब जैसे ही मैंने ड्राइंग बना ली, अब इसको यहाँ पे पिंच कर दीजिए ऐसे, तो जब भी रिवीजन करें तो इसको पहले देखिए, अच्छा फ्रंट में ऐसा दिख रहा है, अब इसका ड्राइंग देखिए ऐसे बनेगा, साइड में कैसा दिख रहा है, अच्छा ऐसा बनेगा, तब जाके ड्राइंग आपकी 6th सेमेस्टर की कवर होगी, वरना बहुत दिक्कत करेगा। ठीक है, आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें, एंड वीडियोज़ में थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों कंटेंट को तैयार करने में। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है कि आपको परेशान होना हो। ठीक है, और साइड में इतने सारे सब्जेक्ट भी तो हैं आपके, तो उनको तैयार करते रहिए। ठीक है, ड्राइंग का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो मेरे को कराना है। ठीक है, तो आप एक विश्वास रखिए, जिस तरीके से अभी तक आपने पूरा विश्वास बनाया है 5th सेमेस्टर तक, तो 6th में भी रखिए। ठीक है, और सपोर्ट करिए दोस्तों को, शेयर भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आपको टेलीग्राम पर जाके ये चीज़ें डाउनलोड जरूर करनी है, जैसे कि स्टील टेबल एंड जो ये मैं डायग्राम का PDF भेजूंगा वो। राइट, और अगर भूल जाता हूँ तो कमेंट भी कर दीजिएगा। राइट, ठीक है, और थैंक यू बोल दीजिए उस दीदी को जिन्होंने ये वीडियोस बनाया है और जिनका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।